हेलो फ्रेंड्स, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस आ गया। और ये जो नोटिस है वो झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के है। 2021 वाला जो है आरक्षण सूचना प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम है। तो यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताया गया है इस अपडेट में। तो चलिए, जो भी चैनल में नया आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन और अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है कार्यक्रम जो भी शेड्यूल है उसको बताया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स पास किए उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट नोटिस है झारखंड सरकार की ओर से, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से। आप यहाँ पर देख सकते हैं 28/3/2022 का ये अपडेट है। देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो ये जो है झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बगान नामकुम रांची में दिनांक 5/4/2022 यानी कि 5 अप्रैल 2022 से निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार दो पाली में होगी। प्रथम पाली जो है 12 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, द्वितीय पाली जो होगी वह 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगी। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने के 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंचाएं। तो यहां पर जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट जारी हो चुका है। जितने भी कैंडिडेट्स पास किए झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा यानी झारखंड असिस्टेंट साइंटिफिक एग्जामिनेशन को, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डेट दिया हुआ है वह है आपका 5 अप्रैल। 5 अप्रैल ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तारीख को दो पाली में होगा आपका, 1 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक, और 1 होगा आपका 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। और यह जो होगा वह आपका जो है कार्यक्रम जो है यहाँ का जो कार्यालय है जो ऑफिस है कालीनगर चाय बगान नामकुम रांची में होगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आपका पहले से और डेट आप लोगों को मैंने बता दें 5 अप्रैल। यहाँ पर उसके बाद क्या करना है, क्या ले जाना, देखते हैं। तो जाँच हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एक एक स्व हस्ताक्षर छाया प्रति के साथ हाल में खींचा गया तो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्र जांच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग समय नहीं दिया जा सकता तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। तो ये देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स पास किए हैं वे लोग अपने जितने भी प्रमाण पत्र हैं उनको सारे के सारे चीज़ों को ओरिजिनल में ले जाना है, साथ ही साथ उनका एक एक फोटोकॉपी कर लेना है। और वहाँ पर आप लोगों को सेल्फ एफिडेविट यानी कि सेल्फ जो आप लोगों को साइन कर लेना है उस सब में, और साथ साथ में हाल के जो फोटो किया हाल के जो खिंचाया गया तो फोटो होना चाहिए पासपोर्ट आकार का, और रंगीन फोटो होना चाहिए वो भी रंगीन होगा। और इसी को लेकर के आप लोगों को जाना है। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो पास हो गए हैं और वे लोग अगर प्रमाण पत्र में शामिल नहीं होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो उनको फिर यहाँ पर अलग समय नहीं दिया सकता, ये भी कहा गया। और साथ साथ में उसका जो उम्मीदवारी समाप्त करने के लिए आयोग जो है वो अपना कुछ निर्णय ले सकता है। तो जितने भी कैंडिडेट्स पास किए वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूर जरूर जाएं। और एड्रेस मैंने आप लोगों को बता दिया और जो डेट है वो भी आप लोगों को बता दिया। तो आप लोगों को जो है जितने भी आपका प्रमाण पत्र हैं जो भी जरूरी है वो सारी जानकारी को देखते हुए आप लोगों को ले जाना ही है। उसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ में रेसिडेंशियल और फिर का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। और इसके अलावा में अगर कोई दिव्यांग हैं हैंडीकैप्ट हैं वो भी अपने सर्टिफिकेट को ले जाएंगे। और जितने भी प्रकार के आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सब आपको ले जाना है, साथ साथ में उसका एक फोटोकॉपी भी ले जाना है, और उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी कि अपने आप से साइन करा लेना है यहाँ पर। और 2 फोटो रंगीन चाहिए ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और इसके बाद में है आपका क्या क्या ले जाना है, देखिए यहाँ पर मैट्रिक का आपका उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मैट्रिक वाला सर्टिफिकेट ले जाना चाहिए, साथ साथ में इंटरमीडिएट स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्णता से संबंधित अंक पत्र और प्रमाण पत्र होते हैं। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन वाले जो भी हैं और उससे ऊपर वाले भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो लोग अपना जो है प्रमाण पत्र साथ ही साथ में मार्कशीट भी ले जाएंगे। और यहाँ पर है देखिए, जिन स्टूडेंट्स का जो राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा निबंध किसी संस्थान से कम 6 माह का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी जितने भी कैंडिडेट्स जो 6 माह से ऊपर वाले जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए DCA वाला। और यदि किसी प्रति की इस विषय में उच्चतर योग्यता हो तो संबंधित प्रमाण पत्र अगर DCA से भी ऊपर का है तो ये लोग आप लोग उसको भी ले जा सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है। और ये है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए, देखिए ये क्या क्या है, जितने भी हैं आरक्षित वाले होंगे यानी कि SC ST वाले जो होंगे उनके लिए क्या है। तो यहाँ पे देखिए, झारखंड सरकार का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रसंगिक परीक्षा की विवरणिका में अंकित शर्तों के अनुसार जो भी आप लोगों को फॉर्म फिलअप करते समय जो डाले थे वो वाला आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। वो साथ ही साथ में आप लोग जो है ST SC जो है पिछड़ा वर्ग है, अनुसूची 1 पिछड़ा वर्ग 2 है और कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी के संदर्भ में जाति संपत्ति प्रमाण पत्र प्रासंगिक परीक्षा की विवरणिका के अंकित शर्तों के अनुसार, तो आप लोगों को जिस प्रकार से मांगा गया था और जो डेट वाले आप लोग डाले हैं उसी डेट के आपका का सर्टिफिकेट को भी यहाँ पर मांगा जा रहा है, आप लोग वहाँ पे ले जाएंगे उस दिन। और दोस्तों इसके अलावा में क्या है,
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की न्यूनतम संख्या जो है आप लोगों का ऑनलाइन में जैसे डालते हैं उस प्रकार से ही आप लोगों को वो देना ही देना है, और उसके अलावा अगर दूसरा चीज़ देते हैं तो वो नहीं होगा, और जो दिए थे उसी के हिसाब से आप लोगों का यहाँ पे मान्य होगा, ये भी यहाँ पे साफ साफ कहा गया है। और देखिए यहाँ पे है दूसरे प्रकार का दिए जाएंगे तो वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा, ये भी कहा गया है। इसके अलावा में देखिए आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, COVID-19 के कारण यहाँ पे किस प्रकार से आदेश दिया गया है, तो अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में प्रवेश करने के बाद प्रवेश दिया जाएगा, तो ये तो आप लोगों का कॉमन चीज़ हो गया, ये आप लोगों को करना ही है। COVID-19 से देखिए जो भी पाया जाएगा तो उसको अलग से संसूचित किया जाएगा, ये भी कहा गया है। और नाक और मुंह में मास्क आप लोगों को पहन के जाना है, साथ ही साथ में आपका जो है थर्मल स्क्रीनिंग के समय में जो वो 2 मीटर का दूरी होगा ये तो आप लोगों को ध्यान ही रखना है, साथ साथ फोटो हस्ताक्षर मिलान के बाद सुनिश्चित की जाएगी, और ये सब सारी चीज़ें हैं वो तो आप लोगों का वहाँ पर हो ही जाएगा। इसके बाद है देखिए प्रमाण पत्र की जाँच का कार्यक्रम क्या है, तो 5 तारीख का जो है फर्स्ट शिफ्ट में है, टाइमिंग 11 से 1 बजे तक, वो टोटल 67 कैंडिडेट्स का होगा। देखिए आप लोग अपना रोल नंबर मैच कर सकते हैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो ये है टोटल 67 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फर्स्ट शिफ्ट में 5 तारीख का। और फिर यहाँ पर देखें 5 तारीख में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट में जो है 2 बजे से लेकर 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक, उसमें भी टोटल 67 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, रोल नंबर आप लोग अपना मैच कर लेंगे जितने भी कैंडिडेट्स पास कर चुके हैं। और यहाँ पर अभ्यर्थी कृपया ध्यान देंगे प्रमाण पत्र की जाँच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। देखिए ये तो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में बुलाया जा रहा, लेकिन इसमें आपको अंतिम रूप से चयन नहीं है, इसके बाद भी मेरिट निकलेगा, तो मेरिट के हिसाब से फिर आप लोगों का सिलेक्शन होगा, फिर आप लोगों का ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। और ये देखिए आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्ति के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। देखिए यहाँ पर जितने भी यहाँ पर 67 और 67 को बुलाया गया, उसके अलावा में कुछ और कैंडिडेट्स को भी अगर जाँच पड़ता है तो वो उसको भी वो बुला सकता है, ये इस प्रकार से कहा गया है, उनको भी बुला सकता है। तो यहाँ पे 67 और 67 के अलावा भी और किस कैंडिडेट्स को भी अगर आवश्यकता होता है तो वो बुला सकता है। यहाँ पे हस्ताक्षर परीक्षा नियंत्रक कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ये बताया गया, तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा और गुड न्यूज़ है।